जी जय माता दी। तो जी आज से हो गए हैं नवरात्रि शुरू और सुबह के बजे हैं 4 और मैं 4 बजे उठ ली हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ और मुंह धुल लेती हूँ, फिर मैं अपना आगे का काम शुरू करती हूँ। और जी सब सो रहे हैं, बाहर बिल्कुल अंधेरा है। मैंने एक बार खोल के देखा है गेट, तो मैं बाहर के गेट खोलूँगी नहीं, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि देखो अपना सेफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई बात नहीं, अंदर अंदर का काम मैं कर लूँगी। और 4 बजे जिस दिन नवरात्रि शुरुआत होती है उस दिन, और जिस दिन लास्ट दिन होता है ना उस दिन, तो 4 बजे से पहले, मतलब 4 बजे ही उठना होता है मेरे को, 4 बजे या 3 बजे। अगर एक भी घंटा लेट हो गई तो मेरा पूरा काम इधर से उधर हो जाता है। और सबसे पहले देखिए मैं अपने किचन में रखती हूँ कपूर लैम्प। वो मैंने कपूर का टुकड़ा डाल के और मैंने इसको चला दिया है। इससे बड़ी अच्छी सुगंध हो जाती है पूरे घर में, खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और ये वैसे भी अच्छा होता है, तो मैं ये किचन में ही रख रखा है। ये मेरा हॉल है सामने, और ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, उस टाइम 4:21 हो रखे हैं ये मान लीजिए। और ये देखिए मेरी आँख है ना कितनी स्वेलिंग सी आ रखी है, क्योंकि एक तो मैं दवाई खा के सोती हूँ रात में। आप लोगों से मैंने बताया नहीं है, घर में बता देती हूँ, मेरी कुछ हेल्थ इशू है, कुछ मेडिसिन चल रही है, तो काफ़ी टाइम से मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। और किसी दिन मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊँगी, वहाँ तब वहाँ भी आप लोगों को मेरे डॉक्टर से मिलाती हूँ और क्या हो रखा है मेरे, क्या हो गया है। दवाई काफ़ी लंबी चलेंगी इसकी, तो मैं आप ये तो चलो किसी दिन एक दिन फिर डिटेल में बात करेंगे। आज तो नवरात्रि है, पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव बातों का इतना ज़्यादा चर्चा नहीं करते। मैं नहीं करती हूँ, थोड़ी कम ही करती हूँ, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। और ये देखिए अभी है ना 5 o'clock भी नहीं हुए हैं, 7:45 हैं ये मानो, और मैं नहा के सिर धुल के आ गई। और आज है मंगलवार, ट्यूजडे, बट मैं ये मानती हूँ बार से बड़ा त्यौहार होता है। वैसे तो ट्यूजडे को सिर नहीं धुलते, कई कर कह भी रही थी मेरी बगल वाली, कह रही थी कि शाम को ही सिर धुल के सोऊंगी, सुबह सिर नहीं धुलते, कल मंगलवार है। बट मैं ये मानती हूँ कि बार से बड़ा त्यौहार होता है, तो सबसे पहले जो रात में दिया विया लगाया था मैं वो हटा देती हूँ थोड़ी, मंदिर की सुबह की जो होती है ना सफाई वो कर देती हूँ। और ज़्यादा तो मैंने सफाई कर दी थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी करी है, आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई है, उसके लिए थैंक यू दिल से, बहुत पसंद आ करी है उस वीडियो को आप लोगों ने। और अब मैं माता रानी को नहला देती हूँ, नहलाने के बाद में मैं पति देव को उठाऊँगी चाय वाय बना के, और फिर उठाऊँगी। तो खैर पति देव तो पता नहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे नवरात्रि। और माँ के लंबे लंबे बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने जैसे बैक कराया ना, ये देखो मैं कह रही हूँ पति देव को उठाऊँगी, लेकिन पति देव तो पहले ही उठ गए और अभी 5 बजे नहीं थे, इन्होंने शाम को कह के सोए थे सुबह मुझे 5 बजे उठा देना, बट अभी तो 5 बजे नहीं थे, उससे पहले ये उठ भी गए। घर में कोई एक उठ जाता है ना तो फिर दूसरों को भी नींद नहीं आती। और अब मैं माता रानी को नहला देती हूँ, अब तो खैर मुझे चाय भी बनानी पड़ेगी एक बार, बट माता रानी को मैं नहला के, और ये लहंगा मैंने खुद ने बनाया था, इसकी वीडियो मैं डालूंगी कल, अपलोड करूंगी ना, तो मैं बनाना बताऊंगी कल या परसों में। अब की बार वाली जो वीडियो आएगी वो इसकी आएगी, क्योंकि अमावस्या की भी मैंने एक क्लिप बना के रखी हुई है, और इस लहंगे की भी वो मैं एक साथ डालूंगी तो सोचा। और हाँ आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि तो मैंने बोला ही नहीं, आप सबको हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि मैं तो अपनी बातों में लग गई थी, काम के साथ साथ है ना मेरी बातों में भी ध्यान हो गया था, तो आप लोगों को मैं विश करना भूल गई थी। और माता रानी देखियो कितनी सुंदर लग रही है, ये ड्रेस मैंने पिंक कलर की बनाई है, चुन्नी मैं ले आई थी, और ये माता रानी का हेयर बैंड टीका, और नथनी अब की बार मैं माता रानी को पहनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था ना, पिछली बार भी नहीं, मैंने बहुत दिन से नथे पहना रखी थी माता रानी को, बट मैंने अब की बार थोड़ा ऐसा ही अच्छा लग रहा है फेस। और इसके ऊपर ये ग्रीन वाले जा रही थी चुन्नी ग्रीन कलर की, तो मैंने माता रानी को ग्रीन कलर की चुन्नी उड़ा दी। ये
मानो 5 o'clock हो गए हैं और माता रानी को नहा के मैंने मंदिर में विराजमान कर दी है। और अब मैं पहले एक बार चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं कलश स्थापना करूँगी और अपनी खेतरी भिजूँगी, माँ की जोत जगाऊँगी। तो जी चाय वाय मेरी मैंने पी ली थी, पति देव ऑफिस में पानी भरने के लिए गए हैं और ये मिट्टी है ना मेरी गिल्ली थी क्योंकि मैंने पहले ध्यान दिया नहीं था, तो मैंने सामने अखबार के ऊपर सुखा के ये छोड़ दी थी। और जो मैंने रात में ही भिगो के छोड़ दिए थे, रात में जो भिगो के छोड़ दो ना तो उसी दिन माता रानी दर्शन दे देती है, खेतरी उग जाती है मेरी उसी दिन दे देती है। और इस कुंडी को मैंने पेंट कर लिया था और अब मैं इसमें अपनी खेतरी बीज देती हूँ। और जो देखियो अब की बार कह तो रहे हैं लेट का है मुहूर्त तो कलश स्थापना का, बट मैं है ना हमेशा से ही शुरुआत से मैं नवरात्रि करती हूँ तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना करती हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। देखो देखो जो मैंने करती आ रही हूँ ना मैं वही कर रही हूँ, ये नहीं है कि कुछ मैं अलग कर रही हूँ। और मैंने कलश स्थापना अभी करी नहीं है, मैंने खेतरी तो खैर कुंडी में लगा के छोड़ दी थी साइड में क्योंकि मिट्टी नीचे फर्श के ऊपर थी ना, तो अब निकाल लेती हूँ झाड़ू क्योंकि अंधेरा था बाहर, तो मैं बता रही थी ना मेरे को डर लग रहा था, अभी थोड़ा ये है कि उजाला हुआ है तो पहले एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरी जो मेड आएगी वो थोड़ी लेट में आएगी, तो उससे पहले देखो बासी झाड़ू तो माँ का आने के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। और पोछा मैंने लगाया नहीं सुबह सुबह, देखो कितनी रात है अंधेरा है बाहर अभी भी, तो मैंने जग भर के और अपना आगे से धुल दिया है गेट, माता रानी आएगी तो गेट साफ सुथरा दिखे। और अब मैं करूँगी अपनी आगे की पूजा शुरुआत। अपना कलश कलश मैंने साइड में रखा, देखो इतना मंदिर बड़ा मंदिर होने के बाद में भी है ना ये लगता है कि छोटा ही है। और जो मैंने चावल रंगे थे ना वो देखो, जो मैंने प्लेट में कुडी बना रखी है चावलों की, ये वाले हैं बहुत बड़े सुंदर लग रहे हैं। दिया जला देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में मन्नत की तैयारी करूँगी, उसका भी टिफिन पैक करना है, वो मन्नत स्कूल में जाएगी। वैसे मैं 6 बजे उठती हूँ और आज मैंने बताया ना, मैंने आप लोगों को टाइम भी दिखाया था, मैं 4 बजे उठी थी तो 6 बजे तो खैर उसका ही टाइम हो जाता है, फिर उसका लंच करूँगी, उसको नहलाऊँ धुलाऊँगी, उसी का टाइम हो जाएगा। तो अब बस जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, स्थापना कर देती हूँ। हो गई है तैयार, मन्नत भी कर रही है पूजा, मन्नत का टिफिन पैक मैंने करके फिर इसको उठाया था। और माता रानी देखियो कितनी सुंदर लग रही है, और मन्नत पूजा करके ही जाती है स्कूल में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कई बार दिखाया भी है, और ये पूजा करके फिर स्कूल में जाती है। और आज तो खैर मैंने दिया भी लगा दिया था, नहीं तो ये अपने आप ही करके और फिर जाएगी। अभी आरती मैंने करी नहीं है और मन्नत को मैंने स्कूल में भेज के, पति देव नहीं नहाए थे ना इस वजह से मैंने आरती नहीं करी थी, मैंने खाली वैसे ही पूजा कर ली थी, कलश स्थापना कर दी थी, मैंने सोचा जब पति देव नहा लेंगे ना फिर बाद में आरती करेंगे। अब पति देव नहा के आ गए थे और हम दोनों कर रहे हैं पूजा अपनी आरती माता रानी की। हाँ हम आरती साथ में ही करते हैं, जैसे मैंने कलश स्थापना कर दी थी, दिया जला दिया था, और ये देखिए जो मैंने चावल रंगे थे वो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। और ये मेरी माता रानी, हमारी आरती हो गई थी और माता रानी ऐसे सुख शांति अपने आशीर्वाद बनाए रखना माता रानी, ऐसे ही आप लोगों का प्यार बढ़ता रहे। और ये सब कुछ भी माता रानी की वजह से हो रहा है, माता रानी के आशीर्वाद की वजह से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है।
भी दर्शन कर लो मेरे मंदिर के, मेरे माता रानी के। इस साइड मेरे कलश है, ये माता रानी की जोत है, और मैं करके अपनी पूजा पूरी कंप्लीट, उसके बाद में मैं लग गई थी अपने घर के साफ सफाई काम में। खैर काम भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ टाइम के। और आज बेडशीट चेंज करनी है, करनी तो मुझे कल थी, फिर मैंने सोचा कि एक दिन और से ही, एक दिन बाद में ही करूँगी, तो इस वजह से मैं आज सुबह सुबह ही बेडशीट को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये है नवरात्रि वाले दिन मैं अपनी बेडशीट चेंज ज़रूर करती हूँ। देखो हम बैठ के कुछ खाते पीते भी हैं, फिर उसके हम ऊपर सोएंगे, सो बातें हैं, तो मैं इसलिए है ना अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों का, कैसी लगी मेरी माता रानी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।